वरुथिनी एकादशी का व्रत सौभाग्य भोग मोक्ष देने वाला है। इस व्रत से 10,000 वर्षों की तपस्या के समान फल मिलता है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने सुनने मात्र से 1,000 गौदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथिनी के व्रत से ही मानधाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। यमराज से डरने वाला मनुष्य इस एकादशी का व्रत अवश्य करे। घोड़े के दान से भी हाथी का दान श्रेष्ठ माना गया है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान, स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्या दान को भी इस दान के ही समान बताया है। कन्या दान के तुल्य ही गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है, जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी करके मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। 16 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी है, तो सभी इस व्रत का लाभ अवश्य लें। इस व्रत की विधि और कथा आप मंगलमय डिजिटल यूट्यूब पर सुन सकते हैं।